हेलो एवरीवन, मैं मुस्कान दीवान, वेलकम बैक टू माय चैनल। ये इतने टेस्टी गुलाब जामुन जो आप देख रहे हैं, आप यकीन नहीं करेंगे कि मैंने इन्हें ब्रेड से बनाया है, जो 10 से 15 मिनट में बनकर तैयार हो जाते हैं और इतने सस्ते में बनते हैं क्योंकि इसमें हमें 2-3 सामानों की ज़रूरत पड़ती है। और वैसे भी त्योहारों का मौसम चल रहा है, रक्षाबंधन आने वाला है, तो उस मौके पर आप इसको ज़रूर ट्राई करें। इतने सॉफ्ट और दानेदार गुलाब जामुन, वो भी सिर्फ 10 रुपये के ब्रेड के पैकेट से, चलिए इन्हें बनाना शुरू करते हैं। तो वीडियो शुरू करने से पहले जल्दी से वीडियो को लाइक कीजिए। इन्हें बनाने के लिए सबसे पहले मैंने यहाँ पे ब्रेड ले ली है, तो मैं यहाँ पे 10 वाइट ब्रेड का यूज़ कर रही हूँ। आप चाहें तो इसकी जगह आप ब्राउन ब्रेड का भी यूज़ कर सकते हैं, और ब्रेड की मात्रा भी आप अपने हिसाब से कम या ज़्यादा ले सकते हैं। सबसे पहले हम इन ब्रेड का जो साइड का ये ब्राउन पार्ट है, इसको हम काट कर अलग निकाल देंगे, क्योंकि गुलाब जामुन बनाने के लिए हमें इसके बीच के वाइट पार्ट की ज़रूरत है। जो हम इसके साइड के ये एजेस काट कर अलग निकाल रहे हैं, इनको भी हम वेस्ट नहीं जाने देंगे, इनका भी मैं आपको यूज़ बताऊंगी। तो सभी ब्रेड का हमें ऐसे ये साइड का पार्ट काट कर अलग निकाल देना है, और आप भी मेरे कहने पर एक बार इन्हें ज़रूर ट्राई करिएगा। किसी को यकीन भी नहीं होगा कि इन गुलाब जामुन को आपने ब्रेड से बनाया है, वो भी इतने कम टाइम में, क्योंकि इसमें ना तो ज़्यादा आपको मेहनत की ज़रूरत है और ना ही ज़्यादा सामान की ज़रूरत है। तो ये सभी ब्रेड्स के मैंने इसी तरीके से साइड के पार्ट काट कर अलग निकाल दिए हैं, और अब जो ये सभी ब्रेड का ब्राउन पार्ट हमने अलग निकाला है, इसका भी हम यूज़ कर सकते हैं। इसको आपको फेंकना नहीं है, बस आप हल्का सा इनको रोस्ट कर लीजिए, और उसके बाद आप इसको मिक्सर ग्राइंडर में ग्राइंड कर दीजिए। तो इससे आपका ब्रेड क्रम बनकर तैयार हो जाएगा, जिसको आप बहुत सारी स्नैक्स की रेसिपीज़ में यूज़ कर सकते हैं। अब इसके बाद मैंने यहाँ पे एक मिक्सिंग बाउल ले लिया है। ये जो ब्रेड हमने काट कर रखे हैं, इनको हम बिल्कुल छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ लेंगे और इस मिक्सिंग बाउल में डाल लेंगे। आप चाहें तो आप इसे मिक्सर ग्राइंडर में पीस कर भी ले सकते हैं, लेकिन हमें इन ब्रेड्स को बिल्कुल अच्छे से मथना है, इसलिए मैं इनको हाथ से तोड़ कर ही ले रही हूँ। तो ये लीजिए, मैंने सभी ब्रेड्स को इसी तरीके से बारीक टुकड़ों में तोड़ लिया है। अब मैंने यहाँ पे कप के हिसाब से आधा कप दूध लिया है, आप चाहें तो कटोरी के हिसाब से ले सकते हैं। इस दूध से हमें ब्रेड को बिल्कुल अच्छे से गूंथना है, तो हम इसमें थोड़ा थोड़ा करके दूध ऐड कर लेंगे और इसको बिल्कुल अच्छे से गूंथ लेंगे। इस बात का आपको ध्यान रखना है कि एकदम से इसमें सारा दूध ना डालें, क्योंकि ब्रेड जो है वो बहुत जल्दी से सॉफ्ट हो जाता है, इसलिए बिल्कुल थोड़ा थोड़ा करके इसमें दूध ऐड करते रहेंगे और इसको अच्छे से मिक्स करते रहेंगे, जिस तरह से सॉफ्ट आटा होता है बिल्कुल वैसे ही। तो ये लीजिए, मैंने इसको बिल्कुल सॉफ्ट डो की तरह तैयार कर लिया है। ऐसा डो तैयार होने के बाद हमें इसको 4 से 5 मिनट के लिए बिल्कुल अच्छे से मथना है, क्योंकि जब हम इसको ऐसे मथेंगे तो हमारा ब्रेड जो है वो दूध के साथ बिल्कुल अच्छे से मिक्स हो जाएगा और हमारे गुलाब जामुन बिल्कुल एकदम से परफेक्ट बनेंगे। तो ये लीजिए, मैंने इसको 5 मिनट के लिए बिल्कुल अच्छे से मथ लिया है, और इतना डो तैयार करने में हमारा आधे कप में से 1/4 कप दूध का यूज़ हुआ है। आपका ब्रेड की मात्रा के हिसाब से कम या ज़्यादा भी यूज़ हो सकता है। अब इसको हम ढक देंगे और 10 मिनट के लिए इसको ऐसे ही छोड़ देंगे, जिससे हमारा आटा जो है वो बिल्कुल बढ़िया से सेट हो जाएगा और गुलाब जामुन बनाते वक्त उसमें बिल्कुल भी क्रैक्स नहीं आएंगे। तो इतने हम इसके लिए चाशनी बनाकर तैयार कर लेते हैं। तो मैंने यहाँ पे 1 कप चीनी ली है, वजन में ये चीनी 250 ग्राम है। इसके बाद जिस कप से हमने ये चीनी ली है, उसी कप से मैंने यहाँ पे 1 कप पानी भी ले लिया है, मतलब चीनी और पानी की हमने सेम क्वांटिटी रखी है। आप भी किसी कटोरी के हिसाब से ले रहे हैं तो आपको चीनी और पानी का सेम मेज़रमेंट रखना है। अब चीनी को हमें पानी में बिल्कुल अच्छे से घुलने तक पकाना है, क्योंकि हमें इसके लिए 1 तार या 2 तार की चाशनी नहीं बनानी है। बस चीनी हमारी पानी में घुल जाए, उसके बाद हम इसको 2-3 मिनट के लिए और उबाल लेंगे। तो ये देखिए, चाशनी में उबाल आना शुरू हो गया है और चीनी जो है वो हमारी अच्छे से घुल गई है। बिल्कुल पतली चाशनी हमें इसके लिए बनाकर तैयार करनी है।
अब मैं इसमें हाफ टी स्पून इलायची पाउडर ऐड कर रही हूँ इसमें बिल्कुल बढ़िया सा फ्लेवर देने के लिए। साथ में ही थोड़े से मैंने यहाँ पे केसर के धागे ले लिए हैं इसमें नेचुरल कलर देने के लिए। आप चाहें तो इलायची को आप इसमें कूट कर भी डाल सकते हैं, लेकिन मेरे पास इस टाइम पाउडर अवेलेबल था तो मैंने इसमें पाउडर डाल दिया है। अब इलायची और केसर मिलाने के बाद हम इसको 2 से 3 मिनट के लिए और पकाएंगे और उसके बाद ये हमारी चाशनी बनकर तैयार हो गई है। अब हम गैस को बंद कर देते हैं। तो यहाँ हमारे ब्रेड के डो को रखे हुए भी 10 मिनट हो गए हैं तो हम इसे देख लेते हैं। अब इस डो को हमें दोबारा से एक बार अच्छे से मथना है तो लगभग 1 मिनट के लिए मैंने इसको और मथ लिया है और उसके बाद हमारा ये डो बिल्कुल अच्छे से तैयार हो गया है। अब मैंने यहाँ पे थोड़े से बारीक कटे हुए काजू और कुछ किशमिश ले ली हैं क्योंकि हम गुलाब जामुन को स्टफिंग करके बनाने वाले हैं। आप अपनी पसंद का कोई भी ड्राई फ्रूट यूज़ कर सकते हैं। अब इस मिक्सचर में से हम थोड़ा थोड़ा करके मिक्सचर ले लेंगे जितने साइज़ का आपको गुलाब जामुन बनाना है और मिक्सचर को हम पहले थोड़ा सा स्मूथ करेंगे और उसके बाद इसके बीच में से ऐसे जगह बनाकर हम इसमें किशमिश और काजू की स्टफिंग कर लेते हैं और ऊपर से हम इसको अच्छे से बंद कर देंगे ताकि स्टफिंग बाहर ना आए। इसको अच्छे से बंद करने के बाद हम इसको एक बार दोबारा से रोल कर लेंगे। इसमें कहीं से भी क्रैक्स नहीं रहने चाहिए। ये देखिए कितना परफेक्ट हमारा गुलाब जामुन की शेप आई है। अगर आपको लग रहा है कि आपके गुलाब जामुन सही नहीं बन रहे हैं, उनमें थोड़े बहुत क्रैक्स रह जाते हैं, तो आपके आटे में मॉइस्चर की कमी है, तो उस आटे में आप 1-2 चम्मच दूध ऐड कर लें और उसके बाद गुलाब जामुन बनाएं, क्योंकि अगर इसमें कहीं से भी क्रैक्स रह जाएंगे तो ये फ्राई करते वक्त फट भी सकते हैं। बहुत ही ईजी है इन गुलाब जामुन को बनाना, बस आपको इसी बात का ध्यान रखना है कि गुलाब जामुन बनाते वक्त उसमें कहीं भी क्रैक्स ना आए। तो मैं भी इसी तरीके से जल्दी से ये सारे गुलाब जामुन बनाकर तैयार कर लेती हूँ। वैसे आप वीडियो को एंड तक देखते रहिए क्योंकि अभी तो मैं आपके साथ और भी बहुत सारी टिप्स शेयर करने वाली हूँ जिससे आपको भी ये गुलाब जामुन बनाने में कोई दिक्कत नहीं होगी और आपके गुलाब जामुन भी बिल्कुल परफेक्ट बनेंगे। और मुझे आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। तो इसी तरीके से मैंने यहाँ पे सारे गुलाब जामुन बनाकर तैयार कर लिए हैं। ये सभी गुलाब जामुन बनने के बाद इतने हमारा तेल गर्म होता है इतने हम इसको एक कपड़े के साथ ढक देंगे जिससे इनके अंदर मॉइस्चर बना रहेगा और ये फ्राई करते वक्त फटेंगे नहीं। तो अब हम इनके नेक्स्ट प्रोसेस पे चलते हैं। तो तेल मैंने यहाँ पे पहले से ही गर्म होने के लिए रख दिया था इनको फ्राई करने के लिए और तेल आपको इसमें इतना रखना है कि आपके गुलाब जामुन इसमें ईजिली डूब जाएँ। इन्हें फ्राई करने के लिए मैं एक कढ़ाई का यूज़ कर रही हूँ, आप भी इसके लिए कोई बड़े बर्तन का यूज़ करें। तेल को हमने मीडियम फ्लेम पर गर्म किया है। अब हम इसमें एक एक करके गुलाब जामुन डाल लेंगे और सारे गुलाब जामुन डालते ही हमें इनको अभी टच नहीं करना है क्योंकि उससे हमारे गुलाब जामुन ख़राब हो सकते हैं। तो जब ये हल्के हल्के से पकने शुरू हो जाएंगे उसके बाद हम चम्मच की हेल्प से सिर्फ तेल को घुमाएंगे और इस बात का ध्यान रखना है कि अभी भी चम्मच गुलाब जामुन पे नहीं लगना चाहिए, बस तेल को ही हम इस तरीके से घुमाते रहेंगे और इन्हें आपको मीडियम फ्लेम पर ही फ्राई करना है जिससे ये अंदर तक बिल्कुल अच्छे से पक जाएं। और जब आपको इनमें हल्का सा गोल्डन कलर दिखने लग जाए उस टाइम आप इनको पलट कर भी फ्राई कर सकते हैं। और इस बात का आपको ध्यान रखना है कि तेल को ना तो आपको ज़्यादा गर्म रखना है और ना ही ज़्यादा ठंडा रखना है क्योंकि हम इनको ज़्यादा ठंडे में फ्राई करेंगे तो ये तेल अब्सॉर्ब कर लेंगे और अगर ज़्यादा गर्म में फ्राई करेंगे तो ये अंदर से कच्चे रह जाएंगे और बाहर से एकदम से ब्राउन हो जाएंगे। मैं इनको मीडियम फ्लेम पर फ्राई कर रही हूँ इसलिए इनमें अभी हल्का ही गोल्डन कलर आया है। तो ये देखिए जैसे जैसे ये पकते जा रहे हैं वैसे वैसे इनका कलर पहले से थोड़ा सा डार्क होता जा रहा है और इनको हम ऐसे ही घुमाते घुमाते फ्राई करेंगे जिससे ये हर तरफ से बिल्कुल बराबर पकेंगे और इनमें कलर भी बिल्कुल बराबर आएगा। अगर आपको ये डार्क कलर के चाहिए तो आप इनको थोड़ा सा और पका सकते हैं, लेकिन मुझे ये ऐसे ही चाहिए तो मैं इनको तेल में से निकाल रही हूँ। जो इसमें एक्स्ट्रा तेल है वो हम यहीं पर निकाल देंगे
और ये देखिए कितने बढ़िया हमारे गुलाब जामुन बनकर तैयार हो गए हैं। अब साथ के साथ ही हमें इसे चाशनी में डालना है, तो चाशनी हमारी हल्की सी गर्म होनी चाहिए और ये गुलाब जामुन को हमने चाशनी में डाल लिया है। ऊपर से हम इनको हल्का सा प्रेस कर देंगे ताकि ये इसके अंदर डूब जाएं और चाशनी को अच्छे से सोख ले। चाशनी सोखने के बाद इनका साइज़ पहले से डबल हो जाएगा, लेकिन इन्हें चाशनी अब्जॉर्ब करने में थोड़ा सा टाइम लगेगा, इसलिए हम इनको 2 घंटे के लिए ऐसे ही चाशनी में डूबा हुआ छोड़ देंगे। तो अब हम इनको 2 घंटे के लिए छोड़ देते हैं और 2 घंटे के बाद का रिज़ल्ट मैं आपको दिखाती हूँ। तो ये देखिए 2 घंटे बाद आप गुलाब जामुन का साइज़ देख सकते हैं, पहले से डबल हो गया है। अब हम इनको सर्व कर लेते हैं। देखने में कितने ज़्यादा टेस्टी लग रहे हैं, क्या इन्हें कोई देखकर बता सकता है कि हमने इनको ब्रेड से बनाकर तैयार किया है, और वो भी इतने कम टाइम में और कम सामान के साथ। तो आप भी इन्हें ज़रूर ट्राई करें। कभी भी आपका मीठा खाने का मन हो तो आप इनको झटपट से बना सकते हैं, या फिर आपके घर पे कोई फंक्शन है, ये खाने में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगेंगे। अब एक गुलाब जामुन मैं आपको एक बार काट कर भी दिखा देती हूँ कि ये अंदर से भी बिल्कुल परफेक्ट बना है। तो ये आज की रेसिपी हमारी बनकर तैयार है। अब मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ। थैंक यू, बाय बाय।